वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। रात का वक्त है, कितने बज रहे हैं? 9:30 बज रहे हैं। और साधना अपने लिए और मेरे लिए फ्राइड राइस लाया। उसका आज घर का खाने का मन नहीं हो रहा था, कह रहा था मम्मा मेरे को आज फ्राइड राइस खाने, इतने ही लिया। अब बच्चे का मन हो रहा है तो क्या ही बोल सकते हैं। तो साधना फ्राइड राइस खुद जाके लेके आया है रेस्टोरेंट से, है ना। तो तेरे को सर्दी हो रही है, मना करने के बावजूद ठंडा ले आया तू। बेटा मौसम नहीं है, अभी मौसम चेंज हो रहा है, चलता है। चलते वाली बात क्या, अभी तो स्कूल है, खांसी खूसी हो रही है तेरे को। ये सात का और ये मेरा। मुझे नूडल्स पसंद है, सात को फ्राइड राइस। अच्छा बंद हुआ यहाँ से, टेप लगा रखा है उन लोगों ने, ऐसा खोल दे नीचे से, निकाल दी नीचे से, यहाँ से खुलता है। हम एक तो अच्छे से करें, मेरा भी निकाल दे, तब तक मैं तेरा खोल के देखती हूँ कैसे तेरे फ्राइड राइस है। तो फ्राइड राइस क्यों पसंद है? मुझे फ्राइड राइस नहीं पसंद, सॉस डाल लेना, सॉस वो है ना, चटनी वगैरह। फ्राइड राइस नहीं पसंद, फ्राइड राइस के कंपेयर में मेरे को ना नूडल्स पसंद है। साथ को नूडल्स नहीं पसंद, ठीक है बने फ्राइड राइस। चलो हम अपना डिनर इंजॉय करते हैं। रात का वक्त है, 1 बज रहा है और मैंने अभी नमाज पढ़ी है तहज्जुद की। तहज्जुद की नमाज फ्रेंड कुछ ऐसा इशा के बाद उसका वक्त शुरू हो जाता है, तो मैंने आपके संग भी शेयर कर दूं फ्रेंड कि तहज्जुद की नमाज लाइफ बदल देती है। सच बता रही हूँ फ्रेंड, बेशक अल्लाह हर वक्त आपकी दुआएं सुनता है, लेकिन तहज्जुद का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जिसमें अल्लाह पहले आसमान पर होता है। तो अल्लाह ताला से वो नमाज, आप अल्लाह ताला को बहुत पसंद है फ्रेंड, बहुत। आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप उस नमाज को पढ़ो। आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी आपकी दुआ है, आपकी जो कबूल नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह ताला वो तहज्जुद की नमाज आप फ्रेंड पढ़ के देखो। ये मैं अपनी खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं ऐसा सुनी सुनाई बातें नहीं बता रही हूँ, खुद बता रही हूँ कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप यकीदे के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अल्लाह ताला को तहज्जुद की नमाज बहुत पसंद है। इस नमाज की अजान नहीं होती है, इस नमाज की अजान दिल में होती है। जैसे ही आपको दिल में यकीदा होगा कि आपको नमाज पढ़नी है, तहज्जुद की अजान हो गई, वही अजान होती है जब आपका दिल गवाही दे देता है कि नमाज पढ़ने खड़ी हो जाओ। और अल्लाह ताला को जवानी की दुआएं मांगी हुई और जवानी की इबादत अल्लाह ताला को, अल्लाह सुभान ताला को बहुत पसंद है। और अल्लाह ये मत बोलो आप कि अल्लाह ये नहीं दे सकता। आप क्या करते हो ना, आप नमाज पढ़ते हो, फिर दुआएं करते हो, आप अपने आप को देख के दुआएं मांगते हो, अल्लाह चल इतना से दे दे, थोड़ा दे दे। आप अल्लाह की जात को देख के मांगो, अल्लाह को देख के मांगो, आपके आगे बादशाह का है, बादशाह है, आप उससे इतना सब कुछ मांगो। आप जो कुछ मांग सकते हो आप सब मांगो, अपनी झोली को ना बड़ा कर दो, दामन को बड़ा कर दो अल्लाह के आगे, क्योंकि आपका बादशाह कोई और नहीं, आपका अल्लाह है, आपका मालिक कोई और नहीं, अल्लाह सुभान ताला है। तो आप ना अल्लाह से मांगा करो। मैं तो अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगती हूँ, हर चीज़ फ्रेंड सब चीज़ मांगती हूँ अल्लाह ताला से। और इतना नहीं, इतना मांगती हूँ, क्यों नहीं मांगू, क्योंकि मेरा तो अल्लाह बोलता है कि अल्लाह ताला ने कभी कहा है कि थोड़ा मांगना, अपनी अपने आप को देख के मांगना, अपनी औकात देख के मांगना, नहीं। अल्लाह ताला ने बोला कि तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, नीयत रखो अच्छी और यकीदा रखो अल्लाह पे। तो तहज्जुद की नमाज फ्रेंड एक ऐसी नमाज है कि बस जादू कर देगी आपकी ज़िंदगी में फ्रेंड। आप उसे पढ़ो, आपकी दोनों, आपकी ज़िंदगी भी आखिरत भी आपकी सवर जाएगी, दो जहाँ है दोनों जहाँ आपकी सवर जाएगी। आप अल्लाह ताला से दोनों जहाँ के लिए दुआ मांग लो, मरने के बाद अल्लाह जन्नत भी अता फरमाओ और जीते जी भी जन्नत की तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजरे। तो आप अल्लाह, तो आप ना ज़रूर स्टार्ट कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला खुद बोलता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे जवाब तलब करने वाला, ख्वाहिशों को मांगने वाला। तो अल्लाह ताला आगे खुद कह रहा है, कोई बंदा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपको बोलेगा कि आगे हमसे मांगो, चलो कोई एक बार बोल देगा, दो बार, चार पांच दफे मांगोगे ना, वही बोल देगा नहीं यार, हर दम मांगता रहता है। अल्लाह तो ना खुश होता है, पता है, जब हम अल्लाह से मांगते हैं ना कि अल्लाह हमें तू ये दे दे, ये दे दे, ये बात है, या बातें क्या करो, जब कुछ नहीं मांगना है तो अल्लाह ताला से आगे दिल रख दिया करो खुल के कि अल्लाह ताला ये बात है, वो बात है, अल्लाह ताला इतना खुश होता है, पता है। और जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं ना कि अल्लाह हमें ये चाहिए, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है उस वक्त कि ये बंदा मुझसे मांग रहा है। तो हमेशा नमाज पढ़ते हो, वैसे वैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं हम लोग, उसमें भी दुआ कबूल होती है, लेकिन तहज्जुद का वक्त कहते हैं कि स्पेशल वक्त होता है, रात का वक्त, सुकून का वक्त, ना सुबह का नाश्ता, ना रात का खाना बनाना है, कि झाड़ू पोछा करना है, सब चीज़ से फारिग होकर बंदा सुकून से बैठता है, नींद में नींद से उठ के बैठता है, अल्लाह ताला खुद पहले आसमान पे आ जाता है,
देखने के लिए कि कौन मेरा बंदा है जो उस वक्त मुझसे तलब कर रहा है, दुआएं मांग रहा है, कौन है मेरा बंदा जो उस वक्त नमाज नींद को छोड़ के नमाज पढ़ रहा है, क्योंकि रात की नींद सबको प्यारी होती है। फिर उस नींद को छोड़ के जब हम जा नमाज पे बैठते हैं और अल्लाह से मांगते हैं, सोचो अल्लाह ताला खुश हो रहा है तो खुश होकर हमें कितना खुश नवाजेगा। तो आप, मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस फिर से कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी लाइफ चेंजिंग है तहज्जुद की नमाज। आप 11 दिन आप 21 दिन आप पढ़ के देखो यकीदे के साथ, आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए फिर आप बोलना। क्योंकि मेरी पर्सनल ज़िंदगी में इतने सारे चेंजिंग हुए ना फ्रेंड, मैं तहज्जुद की नमाज़ को इतना मानती हूँ, इतना मेरा जब भी दिल भारी होता है, कोई सताता है मुझे, कोई मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, कोई मैं बुराई कर देता है, पहले मैं क्या करती थी फ्रेंड, झगड़ा करना चली आती थी, मेरी आदत थी, अच्छा तूने ऐसा बोला, तूने ऐसे मेरे बारे में क्यों बोला। लेकिन अभी जैसे जैसे मैं सब नमाज वगैरह सब पढ़ती हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला मुझ में सब्र करने की ताकत देता है और मैं सब्र करती हूँ। साथ में सोहिल को भी, अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ, सोहिल आप भी सब्र किया करो, झगड़े का जवाब झगड़े से देना ज़रूरी नहीं होता है। जो लोग हमको गलत समझ रहे हैं उनको आप गलत समझने दो, उनके समझने से कुछ नहीं होने वाला। देखो नियत तो अल्लाह देख रहा है ना, अगर हमारी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो अल्लाह हमसे खुश है, हम अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह हमको दे रहा है। जलने वाले लोग अगर जल रहे हैं तो उनको जलने दो, अल्लाह कहेगा तू ठीक है, तू मेरे बंदे से जल। अगर अल्लाह हमको नवाज रहा है और उसके व्यापे को दूसरे बंदे अगर हमारे हमसे जल रहे हैं, तो अल्लाह कहेगा तू कितना जल सकता है, जल मैं अपने बंदों को और नवाजूंगा। तो अल्लाह ताला हमको हमारी बुराइयों में रखे और अल्लाह ताला हमें अपनी अपनी रहमतों से नियामतों से नवाजे। तो मैं तहज्जुद की नमाज को अपनी पर्सनल ज़िंदगी में मैं बहुत अहमियत देती हूँ फ्रेंड, और आप भी दो, बस थोड़ी सी 2 रकात से लेके आप 2 रकात पढ़ सकते हो, 4 रकात पढ़ सकते हो, 6, 8, 10 पढ़ सकते हो, ठीक है। ईशा की बात से इसका वक्त शुरू हो जाता है और फजर से नमाज से पहले थोड़े पहले इसका वक्त रहता है। तो आप कोशिश किया करो, जब आपको लग रहा है कि अभी आप पढ़ सकते हो, आप दिल हो रहा है ना, बस जिस वक्त यकीदा आ जाए ना दिल में, उस वक्त जा नमाज बिछाओ, वजू करो, नमाज पढ़ने बैठ जाओ। और दूसरी बात, 2 रकात जैसे कि सना पढ़ते हैं, फिर अलहमद पढ़ते हैं, कुल पढ़ते हैं, तो उसके बाद जब दूसरी रकात में हम सजदे के बाद दोबारा पढ़ते हैं, तो आप एक बार फिर अलहमद पढ़ा, फिर 3 बार कुल पढ़ा करें, क्योंकि 3 बार कुल पढ़ने से 1 कुरान का मुकम्मल का सवाब मिलता है, मतलब 1 कुरान शरीफ जो मुकम्मल होती है उसका सवाब मिलता है 3 बार सूर्य क्लास पढ़ने से। अब वो पढ़ा करो, उसके बाद फिर आतिर कुर्सी पढ़ा करो, फिर सजदे में गए, फिर उसके बाद अपनी नमाज कंप्लीट करी, फिर अल्लाह ताला से दिल खोल के सजदे को लंबा कर दिया करो। तहज्जुद की नमाज में हम लोग होते हैं ना, रोज़ की जो नमाज पढ़ते हैं, फिर सजदे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तहज्जुद की नमाज में उन्हीं सजदों को आप लंबा कर दिया करो, देर तक सजदे में सुबहाना रब्बी अल्लाह जितना हो सकता है सजदे में रहा करो। जब दुआ मांगो सजदे में जाके हाथ को ऐसे ऊपर फैला दो, ऐसे मतलब ऐसा कर दो, सर को नीचे रख के हाथ को ऐसे खाली रख दो, झोली फैला दो कि अल्लाह तू देने वाला है, मैं तो तेरी जात है, अल्लाह ताला तूने ही तो कहा है कि मुझसे मांगो, तूने तो कहा है कि मेरी तरफ आओ, मुझसे तलब करो, मुझसे मांगो, अल्लाह से बातें करो कि अल्लाह ताला मुझे ये परेशानी है, मेरे को मुझे किसी ने दिल दुखा दिया, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश है, मेरे दोनों जहाँ सवार दे, मुझे जन्नत भी अता फरमा, मेरे को ज़िंदगी में भी सब कुछ अता फरमा, गुनाह से अल्लाह हमको बचा, अपनी तरफ करके हम तेरे रास्ते में चले, सब चीज़ अल्लाह से मांगो, अल्लाह कब किसको हिदायत दे दे, कब किसको क्या नवाज दे फ्रेंड, ये अल्लाह ही जानता है। बस आप अल्लाह को खुश रखो, बंदों को खुश मत रखो, बंदों को ज़िंदगी में कोई खुश नहीं रख पाया फ्रेंड, बंदों को खुश करने के चक्कर में जाओगे ना तो अपनी इज्जत खो दोगे, बंदों को खुश करने के छोड़ के आप अल्लाह को खुश करो। तो आप अपनी ज़िंदगी में, मेरी पर्सनल ज़िंदगी में जो चेंजेस हुए हैं फ्रेंड, जो कुछ मैंने मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इतनी सारी मतलब रस्तों से गुजर के मुझे सब दिया है, अल्लाह का शुक्र है, वो मेरी तहज्जुद की नमाज से ही है। तो आप तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ा करें फ्रेंड, ज़रूर पढ़ा करें, आपकी लाइफ बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। चलो ठीक है, मैं अपना पंसूरा पढ़ने जा रही हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी इंशाअल्लाह, सुबह मिलती हूँ आपसे। और साथ अभी भी जग रहा है। वालेकुम, आज 3 दिन के बाद फ्रेंड मैं ब्लॉग बना रही हूँ। 3 दिन हो गए मुझे घर के अंदर बैठे बैठे, 3 दिन से मैं कहीं नहीं गई हूँ। लाइट चला, तू लाइट चल गई। 3 दिन से मैं कहीं नहीं गई हूँ। लास्ट टाइम बस मैंने जो सफ़र किया था ना सगाई का, घर से निकली, उसके बाद से मैं निकली नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। और घर पे अम्मी पापा भी आज नहीं, अम्मी और पापा दोनों जयपुर गए, क्योंकि आपको तो पता ही है पापा की जयपुर की दवाई चल रही है, तो महीने के महीने उनको दवा लेने जाना पड़ता है। तो घर पे अम्मी पापा नहीं है, फिर साहिबा है, साहिबा को मैंने बुलाया था पर वो आई नहीं इधर। तो मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मैंने बनाई है तहरी, क्योंकि आज साथ में बोला कि मम्मी तहरी बना लो आज, तो मैं चलो तहरी बना लेते हैं, और साथ ट्यूशन गया है तो मैंने सोचा पहले मैं खाना खा लेती हूँ फिर साथ खा लेगा। तहरी विद अचार, मिक्स अचार है, और मेरे को तहरी के अंदर ना आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
ये असर का वक्त था, असर की नमाज हो गई थी फ्रेंड। और मुझे हमेशा शुरू से ना शाम के वक्त, मतलब शाम के वक्त ही बाजार जाना पसंद है। मुझे दोपहर में धूम में बाजार में भटकना पसंद ही नहीं है। मुझे जब भी काम होता है ना, मैं हमेशा सोच लेती हूँ अच्छा शाम में जाऊंगी, मैं शाम का इंतजार करती हूँ, असर की नमाज हो जाती है उसके बाद ही निकलती हूँ। यहाँ घर को मैंने लॉक कर दिया था, घर पर मैं हमेशा जब भी निकलती हूँ ना फ्रेंड, जब भी मेरे को आदत हो गई है, मैं ना खुल पड़ती हूँ ताले के ऊपर। घर के अंदर निकलने से पहले मैं आतल कुर्सी फूक के ही निकलती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है घर सेफ रहता है फ्रेंड। बस तो मैं ये सब मेरी आदत है। और आप भी जब भी घर को लॉक किया करो ना, तो घर के ऊपर खुल और आयतल कुर्सी जरूर पड़ा करो। और ये रहा मेरा लाल थैला जो कि मैं मुंबई से लेके आई थी, चाय की पत्ती का थैला है ये। लेके मैं मार्केट के जा रही थी, इसके अंदर काफ़ी कपड़े थे, साड़ी थी और भी सब सामान था, जो कि मैं सोच रही थी छोटे मोटे काम है मैं ख़त्म ही कर दूंगी। देखो शाम के वक्त निकलना कितना अच्छा लगता है, साथ नहीं था, अकेले में रिक्शे में बैठ हुई थी और रिक्शे में मेरे साथ में कोई बैठ हुआ भी नहीं था, अकेली थी मैं। गोटे का काम था कर लिया, देखो कितने अच्छे अच्छे फूल बिक रहे हैं पीछे। दिवाली के टाइम पे बाज़ारों में रौनक ही हो जाती है। और हाँ, मैं इस गली में, आपने देखा होगा अक्सर, अगर मैं इस गली में आती रहती हूँ, क्योंकि इसी गली में वो दुकान है, यहाँ पे मुझे गोटा पट्टी मिलता है। और मुझे ना ड्रेस हो गए, दुपट्टे हो गए, उनको खूबसूरत करने का बहुत शौक है मुझे। मैं हमेशा लेस, गोटे, पट्टी वगैरह मैं लगाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने अपना काम कर लिया और चलते हैं अब घर। आज ना चलते चलते थक गई मैं, गई तो रिक्शे में थी, लेकिन जब वहाँ से वापस आई ना मैं तो पैदल आई, क्योंकि मुझे एक दो दुकान पे काम और भी था। और फिर एक बार रिक्शे में बैठा तो रिक्शे वाला बेचारा वो बीच बीच में बेचारा रोकेगा तो है नहीं मेरे लिए कि इस दुकान पे रुकना है, इस दुकान पे रुकना है। तो मैं गई रिक्शे में थी, वहाँ से पैदल पैदल आई हूँ ना, सच्ची प्यास लगे, थक भी गई थोड़ा सा। अब बनाऊँगी चाय और साथ घर पर अभी भी नहीं है, अम्मी के घर पर ही है शायद। चाय बनाती हूँ, चाय पीऊँगी। रात के ना 8:15 बजे मैंने क्या किया था, मुझे आलू के पराठे बनाने थे रात के खाने में, तो मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी। जैसे कि भुर्ता बना के रख दिया, आटा सान के रख दिया और तवा रख दिया, यहाँ पे तेल रख दिया। तो मैंने सोचा जब साग को भूख लगेगी तभी तुरंत मैं आलू के पराठे बना दूंगी। आलू के पराठे ऐसा होता है रख दो ना तो उतने अच्छे नहीं लगते, जब तवे से उतर के प्लेट के अंदर आए और उस पर गरम गरम घी, गरम घी नहीं, गरम पराठे पे घी और साथ में अचार, तब खाने में बहुत मजा आता है। इसलिए मैंने सारी तैयारी कर दी है, जब साथ बोलेगा अम्मी मुझे भूख लगी है, मैं भाग के किचन में जाऊंगी, इसके लिए पराठा लेके आऊंगी। ठीक है साथ, अभी खाएगा, लगेगी भूख, मतलब ब्लॉग बनाती इसको भूख लगेगी, तो चलो मैं इसके लिए पराठा बना देती हूँ। बस ऐसा है ना, फिर साथ में साथ अभी पेट भर के खा ले, फिर एक बार मैं किचन साफ कर दूंगी ना, फिर मैं दोबारा कुछ नहीं बनाने वाली। ठीक है, एक एक पराठा तेरे लिए एक्स्ट्रा बनाकर रख दूंगी, अगर तुझे रात को 12 बजे भूख लगेगी तो तू खा लेना। चलो मैं चलती हूँ किचन में, अपनी कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, ये बन गए हैं, दस्तरखान भी सज गया है पराठे और अचार के साथ में, और साथ में पानी का मग्गा। या अल्लाह, पहले पता हूँ फ्रेंड, मुझे ना आलू के पराठे तो खैर सबको ही पसंद होते हैं, लेकिन मुझे ना पहले पराठे बनाने नहीं आते थे। और मुझे पराठे बनाना मतलब एक ऐसा लगता था, या अल्लाह सबसे मुश्किल काम है पराठे बनाना यार, आलू के पराठे, क्योंकि मैं ना भुर्ता अच्छा बनता था मेरे से टेस्ट में, और जब मैं भरती थी इसको तो वो चारों तरफ से निकल जाता था, तो बनता ही नहीं था, इतना गुस्सा आता था, तो मैं बहुत कम बनाती थी। पर धीरे 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 बना बना के आज मैं माशाल्लाह से सच बता रही हूँ, इतने अच्छे और इतने जल्दी मेरे आलू के पराठे बन जाते हैं। अब मुझे आलू के पराठे सबसे इजी लगता है बनाना, आलू के पराठे बनाने रखो तो मैं 5 मिनट में बना लूंगी, मतलब क्योंकि हाथ बैठ गया, और कहते नहीं है प्रैक्टिस करते करते वो पराठे बनाना भी आ गए मुझे। देखा साहब, अब जरा भी आलू का मतलब इधर से उधर नहीं निकलते हैं। तारीफ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखो कहीं से भी आपको ये आलू निकलते हुए बाहर नहीं दिखेंगे, एकदम गोल बनता है और बहुत अच्छे से सेक हुआ है। देखो इसके ऊपर मैंने गरम गरम घी लगा दिया, गरम गरम घी बोल रही हूँ मैं, गरम गरम पराठों पर घी लगा दिया है। ये रहा हमारा मिक्स अचार, चलो साथ बिस्मिल्लाह पढ़ो, गरम हो रहा है। हाँ बताए फ्रेंड के प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन कामयाबी मिल ही जाती है। चलो खाना खाते हैं फिर बात करते हैं आपसे। बीवी खाना खा रहा है, मेरा खाना हो गया, अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन की सफाई करने। तो ये किचन की सफाई हो गई, तैयार हो गई साफ सफाई किचन विचन की। चलो बाय किचन, सुबह मिलते हैं। ब्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ फ्रेंड, और अब सोहेल का फोन आ जाएगा थोड़ी देर में, तो मेरे 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर भी हमारी बातें होती हैं तो मेरा वक्त वहाँ कट जाता है, वरना मैं पूरा दिन बोर होती रहती हूँ। और सोहेल को दुबई गए हुए 18 महीने हो गए फ्रेंड, 18 महीनों से फ़ोन पर ही बातें हो रही हैं। खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाएंगे, और बस आने वाले ब्लॉग में आपको वो भी साथ में देखने को मिलेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, बस सोहेल जल्दी से आ जाए, और बस फिर क्या ही मैं बताऊँ आपको। और दूसरा क्या, बस तहज्जुद की नमाज से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, प्लीज़ आप अपनी लाइफ में ज़रूर इसको पढ़िएगा, आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए ना, मेरा नाम बदल देना आप अगर आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए प्लीज़। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ,
मैं वही बोल रही हूँ कि यकीदा रखना, यकीदा और सब्र देखो, अल्लाह भी इम्तिहान तो लेता है, अल्लाह इम्तिहान लेता है और इम्तिहान में पास होने पे भी बहुत कुछ मिलता है। प्लीज़ आप सब्र रखना, यकीदा रखना, पढ़ना। तो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।